शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या किया तुमने? मैडम, ऐसा कैसे हो गया? सॉरी मैडम, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब तुम अपनी आंखें खोलोगी ना, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नाटक करने का बहुत शौक है ना उन दोनों को, अब उनकी नौटंकी मैं निकालूंगी। ठीक करो इसे, और अगर तुम दोनों ये नहीं कर पाए ना, तो तुम्हारी शक्ल की ऐसी हालत करूंगी ना, जिंदगी भर आईने में शक्ल नहीं देख पाओगे। एक बार शादी हो जाने दो, फिर इन दोनों से मैं रिश्तेदारी निभाऊंगी। ये आखिरी मौका है रागिनी से साइन करवाने का। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी बुआ और कीर्ति ने मुझसे दुश्मनी निकाल ली, बट ठीक है, मैं संभालूंगी। तुम बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अचानक? हाँ, वो कुछ पेपर्स भेज रहे हैं जिन पे तुम्हारे साइन चाहिए। मेरे प्यार में तुम अपना पहला प्यार भूल गई, तुम्हारा बिजनेस। प्यार जो है ना, वो एक ही बार होता है, और वैसे भी ये सब के लिए तो तुम हो ना। हाँ, पर साइन तो तुम्हारे ही लगते हैं ना रागिनी मैम। अबे तुम भी ना। ठीक है, लाओ। धक्के मार के घर के बाहर निकाला था ना, तो फिर से आ गई। एक बार में बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना श्रद्धा? अपनी जुबान पर जरा काबू रखो रागिनी, क्योंकि मेरे पति की शादी मेरे बिना हो भी नहीं सकती। अरे रागिनी, पता है इतनी शादी की खुशी में ना, तुम एक बात भूली गई जो मैंने तुमसे कहा था, कि तुम्हारी और अभय की शादी मैं ही कराऊंगी। अब रागिनी, तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। और रागिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने चेहरे का? देखो तो जरा, ऐसे बैठोगी तुम मंडप में अपने होने वाले पति के साथ? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, अब इस दुल्हन को मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। चल। श्रद्धा आके चाहती क्या है? क्या हुआ अबे? साइन करवाया है पेपर्स पे? जिस पेपर पे करवाना था, बस उसी पे नहीं हुआ। क्या यार, जिसके लिए इतना बड़ा नाटक किया, वही नहीं हो रहा तुझसे? मेरी गलती नहीं है, श्रद्धा ने बीच में आके सारा काम खराब कर दिया मेरा। उसका भी पता नहीं कुछ और ही चल रहा है, पर अब हम क्या करेंगे? अबे कुछ भी करके तुझे ये साइन करवाना ही होगा, तू सोच क्या रहा है?
तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया श्रद्धा, इतनी आसानी से अपने पति का हाथ मेरे हाथ में दे रही हो, खुद हमारी शादी करा रही हो, गर्व नहीं हो रहा तुम्हें? या फिर अपने किसी प्लान को अंजाम देने का इंतजार है? बस यही समझ लो रागिनी। क्या मेरा मतलब है, इसे तुम मेरा एक प्लान ही समझो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। रागिनी, अब एक तरफा प्यार का बोझ मैं अकेले अपने कंधे पर तो नहीं उठा सकती ना, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मगर आज के बाद तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा। अरे ये बर्फ तो पिघल गई, मैं और लेकर आती हूँ। मेरे इतने करीब नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे हमें किसी ने देख लिया तो क्या? तुम्हारे इस नाटक ने ना हद पार कर दी है। तो क्या कह रही थी तुम रागिनी से? अच्छा, आप हमारी बातें सुन रहे थे? तो क्या करूं, तुम तो कुछ बताती नहीं, पीछे ही करना पड़ेगा ना तुम्हारा। आरती सुनना, तुमसे कुछ बात करनी थी, एक मिनट आना। सर श्रद्धा, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं सब हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। क्या भलाई है इसमें? घर के पेपर्स अभी तक साइन नहीं हुए, पर बात मंडप तक पहुंच गई है। मेरी आंखों में देखिए अभय, मुझ पर विश्वास है? सबसे ज्यादा तुम्हें पर विश्वास है। तो फिर जैसा चल रहा है ना, वैसा चलने दीजिए। आप मंडप पे बैठेंगे जरूर, मगर अपनी परीक्षा रागिनी की होगी। बर्बाद हो गया। हमने सोचा था इसके चेहरे को ना इसके दिल की तरह खराब कर देंगे, बिल्कुल बर्बाद घटिया। ये देखो बुआ जी, चमक रही है ये। युक्ति रानी, हमें अपना दिमाग और चमकाना होगा, कुछ सोचो। हमें इसे मंडप में जाने से रोकना होगा, अपना दिमाग लगाओ। मेरा मेकअप बिगाड़ के, मेरी शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करके भी आप दोनों को चैन नहीं मिला, जो यहाँ फिर से आ गए। अरे अरे, हम तो हमारी दुल्हन को तैयार करना चाह रहे थे, तुम तो कहाँ का हम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। बुआ जी, दुल्हन को नशा चढ़ा दे ऐसी धीमी धीमी खुशबू, थोड़ा थोड़ा मन भी घबरा रहा है। अब ऐसे में ना ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। तुम दुल्हन हो रागिनी, कितनी सुंदर लग रही हो, और ऐसे शुभ दिन पे ना ऐसी अशुभ बातें बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत ही सुंदर लग रही हो, आराम से बैठो। अरे जी, कंगन देखो इसके, हाँ। कितने सुंदर है। अरे हम भी देखिए जरा, हाँ देखो, असली डायमंड।
चुप हो जाओ। अब हम भी देखते तुम मंडप तक कैसे पहुंचती हो। चलो बाय। आइए आइए, मेरी बहन की बारात आखिर आ ही गई। मैं तो ये सोच रहा था कि अपनी बीवी के मायके वालों को सजा देने के लिए उनकी बेटी के साथ क्या क्या करूं। आइए। मुझे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, पहले बेटी और अब बेटा। अरे अब हम क्या बोले अनुज जी, हम ये सब तो आरती के लिए सह रहे हैं ना। जो है सो है, अभी तो तैयार है अपनी जिद में बलि के बकरे बनने के लिए, लेकिन हम इस गुनाल और उस रागिनी के हाथों हमारी आरती की बलि नहीं चढ़वा सकते। भाभी, जिसकी बलि चढ़नी चाहिए थी हमने उसकी बलि चढ़वा दी है। रागिनी दुल्हन तो बन गई लेकिन दूल्हे तक पहुंचेगी नहीं। दुल्हन को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मैं लेकर आती हूँ रागिनी, देखो। अरे आरती, क्या बात कर रही हो तुम? दुल्हन है वो, उसे वक्त लगेगा। दूल्हे राजा को थोड़ा इंतजार तो करने दो। सब अपने अपने कारनामों में लगे, मुझे तो डर है कीर्ति ने कहीं रागिनी के साथ कुछ करना दिया। रागिनी का आज यहाँ आना बहुत जरूरी है, पेपर साइन करवाने हैं मुझे। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है। इस कीर्ति और बुआ जी ने इतना टाइट हाथ बांधा है, शादी हो जाने दो, जिंदगी भर के लिए इनका मुंह बंद करवा दूंगी। क्या कर रही है ये रागिनी, इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है श्रद्धा ने उसके साथ कुछ कर दिया हो? रात का वक्त निकला जा रहा है, ये रागिनी भी कहाँ रह गई अभी तक? अरे कुणाल, तुमने तो सलीके से शादी की नहीं, तुम्हें क्या पता चलेगा दुल्हन को कितना टाइम लगता है तैयार होने में? अरे सब्र करो, आ जाएगी तुम्हारी बहन। बस बहुत हो गया, मैं रागिनी को खुद लेकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दुल्हन आ गई है। मुझे तो लग रहा है कि ये श्रद्धा सचमुच अभय की शादी करवा के ही माने। नहीं, हमें श्रद्धा पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देगी। पक्का उसके दिमाग में जरूर कुछ है। पर क्या? कोई तो पता नहीं चल रहा, हमें भी नहीं बता रही है। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शादी से। ये देखिए, आप दोनों हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ओम गजाननम भूत गणाध सेवितम कपित्थजंबु फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
क्या बम फोड़ोगी यहाँ तुम श्रद्धा, अब तो तुम्हारी आंखों में ही धमाके की चिंगारी दिखाई दे रही है। वर वधू बैठ जाइए, आगे की विधि शुरू करते हैं। अब क्या आप कन्यादान करके मानेंगे? कर रही है दीदू, क्यों कर रही है? रुकिए ना ये शादी। ठीक है, जो करना है करें। जल्दी से रागनी से पेपर्स पे साइन ले ले भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहानी तो फटाक से कोई और ही मोड़ ले रही है, अब यू टर्न कैसे ले? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। और वर वधू का गठबंधन करने के लिए आ जाइए। आरती, मैं चाहता हूं कि ये तुम करो। नहीं कुणाल, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। क्यों नहीं हो पाएगा? आरती, ये मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तत्र प्रथमम्। रुक जाइए पंडित जी। क्या बात है अभय, इस तरह पंडित जी को मंत्रों के बीच क्यों रोका? हमारी शादी है और मैं फेरे मंत्रों से नहीं, पूरे मन से लेना चाहता हूं। इसके हर पन्ने पे मैंने एक वचन लिखा है जो हम एक दूसरे के लिए लेना चाहते हैं। तुम्हें हर फेरे के बाद इस पे साइन करना है। जानता हूँ थोड़ा अजीब है, पर हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं रागिनी। पत्नी के अलावा किसी को भी आंख उठा के नहीं देखूंगा। प्यार में की गई हर कसम को पूरा करूंगा इस भरोसे से कि मेरी पत्नी भी हर कदम पे मेरा साथ देगी। क्यों रागिनी, इस पे साइन कर दो। दूसरा फेरा।
मैं जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ पूरा न्याय करूंगा। तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसके तुम लायक हो, हर वो चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। तीसरा फेरा हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे प्यार को हर बुरी कठिनाई से बचाऊंगा। किसी को भी हमारे घर पर पूरी नजर नहीं रखने दूंगा। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।